पांच राज्यों में जैसे ही चुनाव आयोग की टीम ने आचार संहिता लगाई और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली पर रोक लगाई है। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम झमरेड़ा विधानसभा में पहुंची है, जहां से बीएसपी ने आदित्य ब्रजवाल, जो यहां से पूर्व विधायक हरिदास जी के सपुत्र हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की बीएसपी की झमरेड़ा विधानसभा में तैयारियां हैं। आदित्य जी, आपको बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी यहाँ पे? मुझे माने बहन जी ने इस विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी के रूप में भेजा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माने बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि तैयारी किस प्रकार की है, तो पिछले 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव दर गांव जाकर के अपना संगठन मजबूत करने का काम हमने किया। गांव दर गांव जाकर के हमने मीटिंगें, जितनी भी हमारी रैलियां थी, अपने कार्यकर्ता तैयार किए, अपनी पार्टी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराया। हमारी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है और हम बहुत पहले से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे कि ओमिक्रॉन, ये कोविड का नया वायरस आया है और कोविड की गाइडलाइन को चुनाव आयोग ने भी कहा है कि रैलियां नहीं होंगी और वर्चुअल रैलियों का उपयोग करें, तो कितनी चुनौती है कैंडिडेट के लिए? जी देखिए, जैसा कि ये नया एक अनुभव है कि हमारे कोविड के दौरान चुनाव को हमको देखना पड़ रहा है, पर देखिए नया नया सीखने को मिलता है। जिस प्रकार की गाइडलाइन अभी चुनाव आयोग ने कल दी है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे और लोगों से जितना हो सकेगा पर्सनली जाकर के मिलेंगे। चुनाव आयोग ने रैलियों पे बैन लगाया है, तो रैलियों पे पूर्णतः हम ध्यान रखेंगे, कोई रैली ना करे, कोई पब्लिक गैदरिंग ना करे, पर्सनली जाकर के लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा से, अपनी विचारधारा से अवगत कराएं। यहां से हाल ही में बीजेपी के विधायक थे, 2017 में विधायक बने, देशराज करणवाल जी, उनके विकास को लेके बीएसपी किस तरह से देखती है? देखिए, जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल से विकास की गति रुकी हुई है। बीजेपी ने इस विधानसभा में, खासकर मैं बात करूँ, कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जो वो कह सके कि उन्होंने कोई कार्य ऐसा कराया है। तो क्या कहेंगे, चुनौती किसे मान रहे हैं इस बार झमरेड़ा में? देखिए, चुनौती तो हम किसी को नहीं मानते, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी गांव दर गांव जाकर के मीटिंगें कर करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनौती अपने आप में कुछ नहीं है, बस यह है कि जनता से जितना ज़्यादा जनसंपर्क हो पाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आखिरी सवाल, 2002 में बसपा का एक बड़ा जनाधार हुआ करता था, करीब 9 सीटें थी। उसके बाद 2007 में 7 सीटें रह गई, 2012 में मात्र 3 सीटें रह गई और 2012 में बीएसपी ने कांग्रेस को सहयोग देके उनकी सरकार 5 साल चलवाई। 2017 में एक भी सीट नहीं आ पाई। आज जो है 2022 में बीएसपी मजबूत तरीके से उभरी है, जगह जगह इनकी रैलियां मजबूती से हो रही हैं। कितनी चुनौती है अब, क्या बीएसपी को दोबारा से इसी तरह संगठन खड़ा हो पाएगा जैसे पहले था? जी देखिए, किसी कारण से हमारी पार्टी का जनाधार तो कम नहीं हुआ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अन्य पार्टियाँ थी उनका वोट एकत्रित होकर के बीजेपी की पिछली बार सरकार बन गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का तूफान, एक आंधी जो 2002 और 2007 के चुनाव में थी, उससे भी ज़्यादा संख्या में मैं देख रहा हूँ। आपने भी बहुत सारी रैलियाँ देखी हैं, जितने भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम सभी विधानसभाओं में हुए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में बसपा की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में बनने जा रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटें, खासकर हरिद्वार जिले की सभी सीटें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने का काम होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ब्रजवाल जी, जो झमरेड़ा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीएसपी इस बार उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। खासकर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की सभी सीटें बीएसपी के खाते में जाएगी। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार झमरेड़ा।